चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुकर स्टडी में। मैं कमल विष्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे आरपीएफ के जो एग्ज़ाम में हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उन रीजनिंग के क्वेश्चनों को हम बताएंगे। दोस्तों, इसमें हम यहाँ पर तर्क शक्ति वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको हम बताएंगे। यहाँ पर हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो हमारे अलग अलग यहाँ पर टॉपिकों पर आधारित हैं, और भी हमने यहाँ पर इन पर आरपीएफ के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर मैथमेटिक के क्वेश्चन भी बताए हैं, हमने जीके के भी बताए हैं। उनको भी आप हमारे वीडियो में यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल कुकर स्टडी से। और यहाँ पर हमारे देखिए, हम जो यहाँ पर बताने जा रहे हैं वो हमारे यहाँ पर आरपीएफ का रीजनिंग का यहाँ पर सैम्पल पेपर है, जिसमें हमने अलग अलग यहाँ पर टॉपिकों के आधार पर अलग अलग यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। और ये हमारे क्वेश्चन हमने सेलेक्टेड लिए हैं, इनके आधार पर हम और भी इस टाइप के जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं उनकी संभावना रहती है उनको भी हम यहाँ पर इनके साथ ही बताते जाएंगे। इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और पूरी वीडियो को आप गौर से देखेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, उस आकृति को चुनिए जो भिन्न है। हमें यहाँ पे एक आकृति, यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है, जो डिफरेंट है, जो अलग है, वो हमें देखना है। अब देखिए, जो हमारे डिफरेंट वाले होते हैं इन्हें हम विजातीय भी बोलते हैं। विजातीय और सजातीय हमारे होते हैं। सजातीय मतलब जिन जो एक तरह के होते हैं, और विजातीय मतलब जो डिफरेंट होते हैं। तो हमें विजातीय चुनने के लिए हमारा आता है वो हमारा वर्ड के आधार पर होता है, अक्षरों के आधार पर, या फिर हमारा कभी आकृति के आधार पर होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो फिलहाल हमें यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पूछा गया है वो हमारे यहाँ पे आकृति के आधार पर है। तो आकृति के आधार पर आपको डिफरेंट चुनना है, आपको विजातीय देखना है। तो आप क्या देखेंगे, जो सभी में अलग हो। अर्थात यहाँ पर हमारे जो चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में एक हमारा विजातीय है, एक डिफरेंट है, तो तीन हमारे कुछ इस तरह के होंगे जो एक समान रूल को फॉलो कर रहे होंगे। अर्थात उनमें एक तरह की समान वहाँ पर प्रकृति होगी, एक गुण होगा, और एक हमारा ऐसा होगा जिसमें एक हटके गुण होगा। तो वही आपको देखना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे प्रत्येक में दो बॉक्स हैं, दो खाने हैं चारों में, और प्रत्येक खाने पर एक एक गोला है, देखिए। लेकिन यहाँ पर हमारा चौथा वाला जो है उसमें केवल एक ही खाने में दो गोले हैं। देखिए, हमारा एक डिब्बा है, इसमें दो गोले हैं। अर्थात ये हमारा क्या है, इन सबसे अलग गुण रख रहा है। ये तो हमारे दो खाने थे, सभी में एक गुण समान हो गया, और हर एक खाने में एक एक गोला था, लेकिन ये यहाँ पर इस गुण को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये हमारे यहाँ पे विजाती हो गया। तो यही चीज़ आपको देखनी पड़ती है। वैसे ही आपका यहाँ पे हो सकता है वहाँ पे वर्डों में दिया हो, वर्डों में आपको जैसे हमारा यहाँ पे ए ई आई दे दिया गया हो, और एक आपको दे दिया गया हो जेड। तो आप देख रहे हैं ए ई आई हमारे क्या है, वाउल्स हैं, हमारे स्वर हैं, लेकिन जेड हमारा क्या हो गया, जेड हमारा यहाँ पर कॉन्सोनेंट हो गया, अर्थात जेड हमारा डिफरेंट हो गया। तो ये चीज़ें आपको देखनी है वर्ड में, जैसे हमारा आएगा ए ई आई, ये हमारे देखिए वाउल्स हैं, और एक आपको जेड दे दिया, जेड हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये वर्डों में हमारा जो विजातीय होता है ये वर्डों में आता है। और वैसे ही हमारा नंबरों में आता है, नंबरों में जैसे मान लीजिए आपको दे दिया दो चार छः और एक नौ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दो चार छः हमारे क्या हैं, इवन नंबर हैं, सम संख्याएँ हैं, लेकिन नौ हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो यही आपको ढूंढना है, यही आपको देखना है। अब देखिए, हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर। अब देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हमें बताना है कि क्या आएगा। देखिए, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन भी हमारा पूछा आता है। एक हमें सुडोकू टाइप का दिया होता है, एक हमारा बॉक्स दिया होता है, एक फिगर जिसमें हमारे कुछ खाने बने होते हैं और उन खानों में नंबर लिखे होते हैं, और कोई एक खाना छोड़ दिया जाता है जिसमें हमें भरना पड़ता है कि क्या नंबर आएगा। अब देखिए, इन खानों को भरने के लिए आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान देनी है, ये हमारा आधारित होता है इनके जो चारों ओर हैं उन पर आधारित होता है। अर्थात ये हमारे जो नंबर भरे हुए हैं उन्हीं में एक हमें निश्चित यहाँ पर रूल निकालना पड़ेगा जिनके आधार पर हमारा जो बचा हुआ खाना है उसमें भी नंबर आएगा। अब देखिए, आप इनमें क्या करेंगे, जैसे आप सुडोकू देखते हैं उसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, तो वैसे ही हमारा ये भी है। आप देखिए, किनारे वाले हमारे रो और कॉलम हमारे यहाँ बॉक्स होते हैं। रो किन्हें बोलते हैं, रो हमारे जो देखिए ये वाली लाइन हमारी रो हैं, रो अर्थात ये वाली लाइनें रो हैं, ये आर वन हो गई, ये आर टू हो गई, और ये आर थ्री हो गई। तो तीन रो हैं और तीन कॉलम हैं, C1, C2 और C3। अब आपको क्या देखना है, रो और कॉलमों में ही आपको कुछ गुण मिल जाते हैं यहाँ पे, इनमें उनको आपको देखना पड़ता है। अब यदि आप देखिए, इन सभी को आप ऐड कर दें, पहली वाली रो में जो नंबर है आपके उनको ऐड कर दें, 8+10+17, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर 35 मिल रहा है। देखिए, अब आप एक बार ये वाला भी ऐड कीजिए, ये जो आपको कॉलम C3 वाली दी है, C3 वाली आप 17+10+8 कर रहे हैं, तब भी आपको देखिए 35 ही मिल रहा है। अब आप C1 वाली ऐड कीजिए,
8 और 11 यहाँ पर 19 हो गया, 19 और प्लस 20 यहाँ पर 16 इक्वल टू 35 हो गया। और आप यहाँ पर R3 को ऐड करेंगे तब भी आपको क्या मिल रहा है, 35 ही मिल रहा है। अर्थात यहाँ पे जो हमारी रो और कॉलम है उनका जो एडिशन आ रहा है, जो सम आ रहा है, जो योग आ रहा है, वो योग हमारा 35 आ रहा है, 35 आ रहा है। तो ये आपको यहाँ पे नियम मिल गया, निश्चित एक जो क्रम है वो आपको मिल गया, और यही आपको अप्लाई करना है जो आपका यहाँ पे R2 है। R2 में आपको यही वाला रूल लगाना है, 11 प्लस 10 दो आपको मिल गए, प्लस अब आप क्या ऐड करें यहाँ पे जिससे आपको क्या मिल जाए, 35 मिल जाए। तो आप सीधा यहाँ पे लगा लेंगे अनुमान, ये आपका क्या ऐड करेंगे, 35 माइनस यहाँ पे देखिए 10 और 11, यहाँ पर 21 हो गया, 21 अर्थात यहाँ पे 14 यहाँ पर आएगा आपका। तो 14 आप यहाँ पे ऐड करेंगे, तो 14 ऐड करेंगे अर्थात यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, जो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, वहाँ पर आपका क्या आएगा, 14 आ जाएगा यहाँ पे। तो 14 यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आपको करने के लिए ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। और जो भी आपके बॉक्स वाले आएंगे उनमें आप देखेंगे, पहले किनारे वालों को जोड़ के, किनारे वालों को गुणा करके, या फिर किनारे वालों को यहाँ पर और यहाँ पर इनको भाग देके, या फिर कुछ निश्चित नंबर से गुणा करके, तो इस तरीके से आपको अरेंजमेंट फटाफट करना है, अपना दिमाग चलाना है, और जो भी वहाँ पर रूल अप्लाई होगा उसको आपको लगा देना है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, यहाँ भी हमें यहाँ पर लुप्त नंबर निकालना है, लुप्त संख्या निकालनी है, जो हमारा अननोन टर्म है वो निकालना है। अब ये भी हमारा देखिए आकृति वाला है, लेकिन कुछ अलग टाइप का है थोड़ा सा। अब इसमें देखिए हमारे त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज के चारों ओर और अंदर हमारे नंबर हैं, तीनों ओर हमारे यहाँ पर त्रिभुज में 1 2 3 तीन साइडों में नंबर और एक बीच में नंबर। अब देखिए जो बाहर और अंदर हमारे नंबर होते हैं उनमें एक निश्चित कोई ना कोई यहाँ पर रिलेशन होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक संबंध होता है, वो संबंध आपको निकालना पड़ता है। अब क्या संबंध है इसके लिए आप देखेंगे, या तो आपको इनको बाहर वालों को ऐड करके अंदर वाले से कुछ रिश्ता बन रहा होगा, या फिर बाहर वालों को गुणा करके अंदर वाले से कुछ रिश्ता बन रहा होगा। अब देखिए मान लीजिए आप इनको गुणा कर देते हैं, 6 गुणा 5 गुणा 4, तो 6 पंचे 30, 30 और गुणा 4 कितना हो गया, 104, 3 12 120, अर्थात इन सभी को आपने जब गुणा किया तो आपको क्या मिला, 120 मिला, 120 मिला। तो 120 में आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 10 यदि आप भाग दे दें तो 0 को काट दें तो आपको 12 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, अर्थात बाहर वालों का टोटल गुणनफल का 10वां हिस्सा अंदर आपका बचा है। तो ये आपको एक रिश्ता मिल गया, एक रिलेशन मिल गया। अब आपने एक के लिए अप्लाई कर दिया, अब यदि दूसरे के लिए भी यह सत्य होता है तो आप देखते हैं फिर आगे को। तो देखिए आप यहाँ पर अगला वाला वैसे ही करेंगे, 7 गुणा 6, 7 6 का 42 हो गया, गुणा 5, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 दुनी 10 और 5 को 20, 20 एक 21, अर्थात ये भी आपका देखिए 10वां हिस्सा है, क्योंकि 21 है और बाहर का गुणनफल हमारा 210 आ रहा है, तो अंदर यहाँ पर हमारा बाहर के नंबरों के गुणनफल का 10वां हिस्सा है, 10th पार्ट है। तो ये आपका यहाँ पे ये भी आपका अप्लाई हो रहा है, अर्थात आपका जो नियम यहाँ पर बना, बाहर वालों को गुणा करके उनका 10वां हिस्सा अंदर आ रहा है, तो ये आपका रूल यहाँ पर मिल गया। अब आप इजीली यहाँ पे जो फाइनली आपको निकालना है उसको आप इजीली निकाल सकते हैं। अब आप इसको भी गुणा करेंगे चारों ओर का, 8 से को 32 32 हो गया, गुणा 10, 320 हो गया, 320 को आप 10 से भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर 32 यहाँ पर आ गया, 32, अर्थात 320 का जो 10वां हिस्सा है वो आपका 32 आएगा। तो अननोन यहाँ पर जो टर्म है, जो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा आपका। तो देखिए आप हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ती है कि आपका कौन सा वाला रूल लग रहा है। पहले जैसे आपने आप गुणा करके देखा, आप जोड़ के भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे दोनों को जोड़ के और तीसरे वाले को गुणा करके देख सकते हैं, या दोनों को जोड़ के तीसरे वाले को भाग देके देख सकते हैं, या गुणा करके भाग देके देख सकते हैं। तो आपके मैथमेटिक्स में चार मेनली ऑपरेशन होते हैं, चार ऑपरेशन मेन होते हैं आपके, तो उनमें आपको यहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग, उन्हीं को आपको आगे पीछे करके इनमें देखना है, और वो आपके यहाँ पर तर्क शक्ति का ही कमाल होगा कि आप कितनी जल्दी यहाँ पे उनको अरेंजमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और इस तरह के क्वेश्चनों को देखने की आवश्यकता है। अब देखिए हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमारा एक
एक तरीके से यहाँ पर हमारा ये सेट्स वाला क्वेश्चन है, समुच्चय वाला क्वेश्चन जो हमारा वेन आरेख में होता है या न्याय निगमन में भी पूछा जाता है कभी कभार, तो वही हमारा क्वेश्चन उसी का एक रूप है जो हमारा न्याय निगमन में सिलोजिस्म हमारा बोला जाता है। सिलोजिस्म में जो क्वेश्चन आते हैं वही हमारा यहाँ पर है ये। तो इसमें हमें बताना पड़ता है कि हमारा एक निश्चित यहाँ पर कोई वर्ड हमें बताना पड़ता है। देखिए, निम्न में कौन सा अक्षर हिंदी व अंग्रेजी दोनों पढ़ने वालों को दिखाता है? तो कौन सा वाला रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे जो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों को बोल सकते हैं, यहाँ पे दोनों को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब देखिए, रीड करने वाले यहाँ पे हिंदी रीड करने वाले यहाँ पे ये होगी, ये वाला हमारा सेट हो गया, और अंग्रेजी वालों का ये वाला सेट हो गया, और उर्दू वालों का ये वाला। यहाँ पे तीन लैंग्वेजों का दिया है, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन हमें बताना क्या है, हिंदी और अंग्रेजी वाले दोनों जो बोल पाएँ, देखिए दोनों बोल पाएँ वो वाला हमें देखना है यहाँ पे। अब देखिए, जब दोनों वाली बात आती है तो दोनों हमारा, दोनों का मतलब हमारा कॉमन, कॉमन क्षेत्र है यहाँ पे जो दोनों के लिए कॉमन हो, तो वो वाला हमें देखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा, देखिए यहाँ पर ई जो है ई केवल अंग्रेजी बोलने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया वही नहीं देखना, बल्कि आपको इन पे आधारित जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उन सभी को आपको क्लियर कर लेना है। देखिए, इस पर आधारित लगभग हमारे 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगे, जो इस आकृति के बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लगभग हमारे बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि अंग्रेजी बोलने वालों को कौन दिखा रहा है, केवल अंग्रेजी बोलने वाले। देखिए, केवल अंग्रेजी बोलने वाले यहाँ पे ई हैं, क्योंकि हमारा देखिए केवल अंग्रेजी वाले हैं, ये कोई इधर उधर नहीं छू रहा है, तो ये हमारा ई वाला हो गया। और यदि केवल यहाँ पे हिंदी वाले पूछे जाएँ तो ये यहाँ पे एच दिखा रहा है, देखिए एच वाला, तो एच वाला हमारा केवल हिंदी वालों को बता रहा है, उर्दू वालों को केवल यू वाला बता रहा है। देखिए, अब जो ये अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट अर्थात जो काट रहे हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पे केवल केवल वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि केवल हमारा केवल मतलब एक के लिए आता है, तो यहाँ पे केवल एक नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे अब ये मिक्स हो जाएंगे, ये शेयरिंग में आ रहे हैं यहाँ पर अंदर। देखिए, क्योंकि इंटरसेक्ट करने का मतलब ये है शेयरिंग कर रहे हैं। अब देखिए, दोनों शेडो का शेयरिंग जहाँ पर होगा वहाँ पर दो लैंग्वेजों का कॉमन हो जाएगा, जहाँ पर तीन शेडो का शेयरिंग होगा वहाँ पर तीन लैंग्वेजों का कॉमन हो जाएगा, अर्थात वो तीनों लैंग्वेज बोलने वाले हो जाएंगे, और जहाँ दो का शेयरिंग होगा वहाँ पे दो लैंग्वेज वाले। अब आपसे पूछा गया हो कि बताइए हिंदी और उर्दू वाले कौन हैं, हिंदी, हिंदी का सेट, हिंदी का सेट ये हो गया कॉमन, उर्दू का सेट, उर्दू का सेट यहाँ पे हो गया। अब देखिए, यहाँ पे छू रहा है यहाँ पे अंग्रेजी वाला भी, तो अंग्रेजी वाले को आपको काट देना है, लेकिन केवल आपका इतना देखिए हिंदी और उर्दू वालों का आ रहा है, अर्थात यहाँ पे डी वाला जो है हिंदी और उर्दू वालों का आ रहा है, डी वाला वर्ड। और वैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बी वाला वर्ड आपका, बी वाला वर्ड आ रहा है आपका इंग्लिश और उर्दू वालों का। तो यदि आपसे पूछा गया हो कि उर्दू और इंग्लिश वालों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका बी कर रहा है। और वैसे यहाँ पे ए जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यहाँ पर आपका ई और इंग्लिश, अंग्रेजी और एच वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी वालों को, जो अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड आपका ए है, जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले जो हैं वो हमारे ए हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला वर्ड हमारा इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और वैसे यहाँ पे देखिए, एक वर्ड हमारा सी जो है, सी एक ऐसा वर्ड है जो अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी तीनों लैंग्वेजों को बोलने वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका महत्वपूर्ण है, कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए तीनों लैंग्वेजों को बोलने वाला कौन सा वर्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है जो तीन लैंग्वेज को दिखा रहा है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला ये सेट भी काट रहा है इसको, और ये सेट भी काट रहा है, और ये सेट भी काट रहा है, अर्थात तीनों सेट यहाँ पर काट रहे हैं, तीनों सेट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो तीनों का कॉमन क्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा, जो वही होगा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू बोलने वालों का क्षेत्र यहाँ पर, तो वो हमारे यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर हमने इनके आधार पर जो भी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं वो आपको सभी बता दिए। तो आप इनके अलग यहाँ पर अलग अलग इस तरह ग्राफों को लेकर के अपने हाथ से बना के, जैसे आपने एक यहाँ पर लैंग्वेज के लिए ले लिया, कुछ आपने चाय कॉफ़ी इस तरह से, या फिर आपने कुछ और अन्य नाम ले लिए, कुछ आपने फ्रूट्स के नाम ले लिए, कुछ आपने वर्ड्स के नाम ले लिए, कुछ आपने एनिमल के नाम ले लिए, कुछ वेजिटेबल के नाम ले लिए, तो इस तरह से आप अपनी रिहर्सल कर सकते हैं काफ़ी इस तरह के क्वेश्चनों में, एक ही क्वेश्चन के बेस्ड पर। तो ये हमारे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमारे यहाँ पे RPF क्या हमारे हर एक कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन फिलहाल जो हमने यहाँ पर मेनली लिए थे RPF के लिए लिए थे, यहाँ पर RPF की रीजनिंग के लिए आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए थे। तो इन क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं, यदि आपके समझ में ना आए हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हम यहाँ पर इसके आधार पर अभी मैथमेटिक्स के जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें RPF में या फिर हमारे अदर कंपटीशन में, वो भी हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, थैंक्स।